ये लो जी भाई, डॉगी के लिए बनाई मैगी। कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग आज का? सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो भाई हम लोग इस टाइम पे जिस्पा में, अभी हम थे थोड़ी देर पहले हेलीपैड वाली लोकेशन पे, लेकिन वहाँ क्या हुआ कि भाई जंगली कुत्ते आ गए, तो हम लोग आ गए गाड़ी लेके इधर। इधर बैठी है आयुषी, ठंडी हवा बहुत तेज चल रही है और भाई टेम्परेचर रात में माइनस में जाने वाला है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी यहाँ पे मैगी शैगी बनाते हैं। बगल में ही अपने रिवर है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा पैच यहाँ से जा रहा है ये रहा, और उसके अलावा बड़ी वाली रिवर जो है वो वहां से जा रही है, मेन स्ट्रीम जो है। बाकी यहाँ पे कुछ सेटअप ऐसा है, अभी बनाते हैं अपनी मैगी बढ़िया से, यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते हैं। सो गाइस, हवा बहुत तेज चल रही है भाई, एकदम कानों में घुस रही है। हमने पैकअप करके अपना खुद की पैकिंग करके और यहाँ पे सेटअप बना लिया, एक एंगल ढूंढ लिया है जिसमें हवा से बच सके। अब यहाँ पे अपना नए चूल्हे का उद्घाटन करते हैं। खोलो जी, ये है किड्स की पाव भाजी, ये है दाल मखनी और तेरी की जय भगवान जी, ये है सूप, ये है यिप्पी, ये है मैगी, ये मैगी मैगी बनाए ना, एक मैगी एक जीपी मिला देंगे तो क्या होगा, मिक्स नहीं कर सकते। ये कोई पैक थोड़ी है कि मिक्स कर देंगे तो नुकसान करेगा कुछ, मिक्स करनी है, मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, टेस्ट कुछ अलग सा बनेगा। देखा भाई, यही है शैतानी दिमाग बस। तो भाई चूल्हा उल्टा खोल रही है, ये चूल्हा छोटा चूल्हा हमारे पास बैकअप में रहता है, ये इधर रख देते हैं, चूल्हे को घुमा इसमें निकाल के वो करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, इसी में लगा रहे, बना देते हैं, हवा रोकेगा ना पीछे से, ऐसे अच्छा ऐसे तेरे लिए ना। हाँ तो एक काम कर, इसे इधर रख क्योंकि इधर से हवा आ रही है, ऐसे घुमा इधर को। अरे इधर को यार, तेरे को तो यार बिल्कुल भी साइंस नहीं आती है क्या? ऐसे गिर जाएगा ना। कोई बात नहीं, मैं एक का इसका उपाय है, देख अब दिमाग थोड़ा सा ही तो चाहिए होता है इसमें लगाने के लिए, थोड़ा सा पीछे कर दो ताकि उसे उसकी आड़ मिल जाए। अजीब ही यार, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है क्या? खिला रहा हूँ, दिमाग नहीं है क्या? मगर बिल्कुल भी एक्सेप्ट कर ले। पानी लायो, है दिमाग? पानी है, यही है बगल में। हाँ है क्या दिमाग? नहीं होता नहीं है, पानी है। चुप करो गैस, मैंने तो हाथ हार मान लिया, हाथ मुंह भी नहीं चल रहा। हाँ कोक पीऊंगी बस। वो सामने ना नदी जा रही है, वो दिख रही होगी आपको, और हम इधर बैठे हैं। और गाइस, मैंने ये दो चीजें खरीदी थी अभी, कहाँ से? खांगसर से ना, और ये दोनों ही काम आ रही हैं। मेरे पास भी तुषार जैसा एक ब्लैक पट्टा था, वो खो गया, तो मैंने ये कलरफुल लिया और एक ये ग्रे सी शॉल। पर ये बहुत गर्म है पता है, ठंडी में चिल्ड हम भी वो कर रहे हैं बिल्कुल, क्या खतरों के खिलाड़ी। तो मैंने हार मान ली है और अब तुषार बनाएंगे मैगी और पास्ता मिक्स करिए। हाँ, मैगी और पास्ता, वाह भाई वाह। अच्छा पास्ता है क्या? तो क्या लगा मैं आपको? सोच रहा था यीप्पी की मैगी है। नहीं यार पास्ता। हाँ, है कर सकते हैं। बाकी कोक देखो भाई एकदम चिल्ड हो गई है, पकड़ के। हाँ चिल्ड है पता है मुझे, मैंने चुके देखी थी, फ्रीजर से निकाली है। सही है, बढ़िया। चलो करो उद्घाटन। उद्घाटन करते हैं, ये लगानी पड़ेगी ना पत्ती चारों ओर हवा रोकने के लिए। तभी तो मैं कह रही थी इसको बॉक्स से निकाल के इसी का पत्ता बना लेते। अरे हाँ ये तो ऑन करनी पड़ेगी ना, तो चूल्हा निकालना पड़ेगा। सही रे उठियो गाइस। अच्छा ये मैं इसे इतनी देर से ऐसे लगाने के लिए बोल रही थी और ये मुझे उल्लू बनाया जा रहा था। तो देखा फिर तो इसकी जरूरत ही नहीं। इसको है। इस तरफ लगाओ ना, थर्ड तरीके से भी तो आएगी हवा। इतने में नहीं आएगी यार, मेरे को। अरे लगा लो, साइड में पहले हटा, पहले ऑन कर। गैस जल चुकी है लेकिन दिख नहीं रही है, बड़ी दिक्कत है। हवा आ रही है गरम गरम। हाँ हाँ, नहीं कैमरे में आ रही है, कैमरा में नहीं दिख रही बट हवा आ रही है। ये देखना हल्की हल्की दिख रही है। अबे तुम यहाँ फिर आ गए, ये तो बैग बंद करना पड़ेगा। तो भाई चूल्हा ऑन कर दिया, अब यहाँ पे रखते हैं बर्तन। एक तो ये बहुत धीरे जल्दी है यार, मुझे लग रहा है ब्यूटेन जम चुकी है। गाइस ये हमारे सस्ते वाले कैंपिंग के बर्तन, हमने सस्ते इसलिए लिए हैं क्योंकि हम बहुत कम ही कर पाते हैं कैंपिंग वैम्पिंग, हम लोग तो एडवेंचर करने में बिजी रहते हैं। आग जल रही है इस टाइम पे, बढ़िया। देख चूल्हे पे आँच बढ़िया जल रही है, इसमें दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा जल रही है। अब दिखेगी साइड से, साइड से दिखाते हैं, तुम्हें रुक जाओ। अरे मांझेगा कौन, ये भी अलग चिंता है। धुले में पानी में निकाल लो बस, बाद इसलिए तो मैं कह रही थी पहले से पानी में निकालो ना एक निकाल बार। रहा निकाल रहा, पहले गर्म हो जाने दे थोड़ा सा। तो पानी में निकालने के लिए पहले पानी डालना पड़ेगा ना। ऑफ कोर्स। ओहो देखो भाई यहाँ पे मैगी बनने जा रही है। ओहो मुझे तो पानी की खुशबू आ गई अभी से ही। ओहो पानी की खुशबू, वाह वाह वाह। ऐसे लग रहा है कि भाई एकदम बहुत तगड़े लेवल की मैगी बनने वाली है आज। ओ भाई पानी में से क्या खुशबू आ रही है, अभी तो मैगी डाली भी नहीं हमने। एक बार बस बन के रेडी हो जाए, इतनी तगड़ी मैगी बनाऊंगा कि आपने सोची ना होगी। गाइस मैंने आपको बताया था ना बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे भाई, इस कुत्ते को ही लग रही है। एक तो यहाँ आ गया, प्लस हमारे पास इसके लिए कुछ है नहीं ऐसा, और दूसरी बात आयुषी चली गई गाड़ी के अंदर, क्योंकि भैया यहाँ पे बाहर बैठना तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी। फिर भी हम बैठ गए थे, लेकिन क्या हो रहा है कि ये चूल्हा नहीं चल पा रहा, और एक चूल्हा तो अंदर आके भी फेल ही है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि ये स्टील है ना, और इसके अंदर ब्यूटेन डाल दिया तो आई थिंक वो जम गया है। तब ये वाला चूल्हा चेक करते हैं, आई थिंक ये वाला हमारा हर जगह पे धोखा नहीं देता है, मतलब अभी तक जितनी जगह पे किए किसी जगह पे नहीं दिया। तो इस वाले पे ब्यूटेन लगा के देखते हैं कि ये चूल्हा चलेगा नहीं चलेगा। ये चल रहा है लेकिन इसकी फ्लेम बहुत ही लो आ रही है। अब देखते हैं भाई ये वाला चूल्हा चलेगा नहीं चलेगा। ऑन कर, फुल कर दे आंच, और कर
ज्यादा नहीं कर सकती मैं, बट एकदम से जल गया तो दिक्कत होगी। लगा भी है तेरे से? गाइज मेरी बीवी तो बड़ी बॉडम है यार, मैंने इसको बोला कि ऑन कर ले, गैस का सिलेंडर सही से नहीं लगाया और उस पे लाइटर पे लाइटर मार रही है। अब करियो ऑन, कर मैं लाइटर मारता हूँ। जल गई भाई, कम कर इसे आँच को। और भाई देखो इसके अंदर ब्यूटेन लग रही है, ऐसा नहीं है मैं आपको उल्लू बना रहा हूँ, ये देखो ब्यूटेन लग रही है। अब इसे ऑन करियो एक बार जस्ट दिखाने के लिए, इधर से करियो, ये चला गया लीवर नीचे, फुल पे करके ऑन करके मैं ही दिखाता हूँ, तू अपना बना। ये देखो भाई वो जल गई, जली थी लेकिन बंद हो गई, वो उसमें आंच नहीं आ रही ना, जल तो रही है। देखो जल रही है फिर बंद हो जा रही है, अभी आई थी, बस यही दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पे ना ये स्टील के अंदर पैक है तो डबल ठंडक हो गई, ये जो स्टील है ना बहुत तेज ठंडा हो जाता है, वो ओपन में है ब्यूटेन, तो ऐसे करके आप यूज करोगे तो ज्यादा कामयाब रहेगा। ये सही जल रही है ना, पानी डालना है? पानी डालो, ओके ओके, जल रहा है ना। हाँ कोई बात नहीं, जलने दे। तेरे उधर पानी की बोतल है, उसे ले ले। ये आयुषी भाई, तो भैया पानी डाल रही है। भाई मुझे तो मैगी बनने की महक आने लग गई, मेरे को तो मैगी का टेस्ट मेरे मुंह में आने लग गया, तो कह रही है तुम मत खाओ रहने दो। है नहीं, लड़ ले, बोल ना, अब बोल क्या बोल रही थी। फिर से कुछ है इस पानी में, फेंको इसे उठा के। अरे कुछ नहीं है इस पानी में यार। सो गाइस फाइनली ये वाला चूल्हा अपना चल चुका है, पैकेट इधर है सारे, और एक एक कैन खोल कोक की और चीयर्स मार। एक काम कर बियर की खोल ले, किसी को क्या पता चलेगा कोक पी रहे बियर पी रहे। ढक्कन भी दे रहा हूँ मैडम, ये भाई बहुत ऑर्डर मारती है यार, ये हद है। बना लो फिर, तुम ही बना लो। नौकर हूँ क्या मैं तेरा? हाँ काम कर, करना पड़ेगा, कैसे नहीं करेगी, मैं गाड़ी चलाता हूँ तेरे को काम करना पड़ेगा। वो बन क्या बोलते हो उसे, क्या बोलते हो उसे, अरे कौन होता है, हेल्पिंग हैंड बन, कलरफुल पास्ता। अरे वाह, बनाओ भाई बनाओ, मजा आएगा, भूख लग रही है बहुत, जल्दी से बना दे। मेरे मुंह तो पानी भी आ गया, मैगी का टेस्ट भी आ गया तीन बार, और मेरे को एक कोक खोल के देना यार, चिल्ड चिल्ड एकदम। अरे यार ट्राई, यूट्यूब से सीख ले, एक काम कर वीडियो खोल के यूट्यूब चला के देख ले, हाउ टू ओपन कोक कैन। वो खुल गई ये। अरे भाई ये कौन से लोग हैं? अब पता चला कि वो कौन सी वीडियो थी, वो जो क्या नाम है, ऐसी वैसी वीडियोस होती है ना, हाउ टू ओपन कोक कैन प्रॉपरली, वो तुम्हारे जैसे लोग ही देखते हैं ना, है ना। हाँ हाँ बेटे, इधर भैया पानी अपना गर्म हो रहा है, मस्त बढ़िया वाली कार्रवाई चल रही है, हवा हो रही थी। भाई मैंने तो ये चेयर है ना ऐसे रख ली ताकि मैं इधर बैठ के आराम से देख सकूं, अपना कोक पी सकूं। अरे स्वाद आ गया बिना खाए तुम्हारी, ऐसी की तैसी स्वाद आ गया क्या? ओ माय गॉड, ओ हाँ नहीं सही में, अब तो मैगी की यार स्मेल आ गई, अब झूठ नहीं बोलेगी यार देख। तो मैं तो सच्ची बोल रही हूँ। हाँ फिर ठीक है। अच्छा डाल चुकी थी क्या पानी में? और क्या भाई, काश कोई ऐसा डिवाइस होता ना, हम कैमरे जैसे शूट कर रहे हैं तो वो अरोमा भी मतलब पहुंचा पाए महक, एक्चुअली मैगी की महक है, हम ऐसा नहीं है कि हमने कुछ इसमें मसाले डाले हैं, कुछ तगड़ा किया हुआ है ना, सब कार्रवाई मैगी की है। ये अपनी हो गई यहाँ पे मैक्रोनी ऐड, मैक्रोनी क्या है, पास्ता है। अरे यार एक तो मुझे याद नहीं होते क्या मैक्रोनी क्या पास्ता, एक दो जगह तो मेरे पास ऐसे हुआ है। ऑन कर, ऑन कर लाइटर, मार लाइटर, ये बहुत बढ़िया। तो एक दो जगह तो मेरे साथ ऐसे हुआ है, वो आते हैं क्लब वाले, पता क्या पूछते हैं कि सर पास्ता, मैं कहता पास्ता तो कहता कौन सा, कहते पेने या फिर कौन सा होता है दूसरा, पेने पास्ता सिलेंड्रिकल वाला, नहीं दूसरा वाले का नाम क्या है, पेने और एल्फ्रेडो या पेने। तो मैंने कहा हाँ, मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई पाइप वाला दियो, रस्सी वाला मत दियो। तो कुल मिला के वो समझ गया। एक बार ऐसे ही हुआ, हम गए थे सबवे, तो सबवे पे कुछ ऑर्डर करना था, अब वहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो गया कि क्या क्या डालें, अब उन सबके नाम मुझे पता नहीं, वो पूछ रही क्या क्या डालूं, नाम पता हो तो बोलूं। मैंने कहा मीट माई असिस्टेंट, मैंने कहा इसी पता है इसे क्या क्या डालना है, याद है तुझे वो दिन, कह रही ये क्या तरीका है, मैंने कहा यही तरीका आता ही नहीं हम पे ही ना। ये डाल दी भाई मैगी, यार चीयर्स तुम्हार। भाई एक बात बताऊं, बाहर माइनस इस टाइम पे भी है ना, माइनस में टेम्परेचर है, यहाँ पे हालत खराब ही होगी, धूप निकल रही है, देखो चेयर उल्टी हो गई। ये अपना, हम तो भैया अंदर बैठ गए, क्यों बेकार में रिस्क ले है कि नहीं, अंदर बैठ के सबसे सेट है वैसे मामला, गाड़ी के अंदर बैठ के बनाओ, तेरे को दिक्कत तो नहीं बैठने में? अरे हम तो उनमें से जो उंगली में से खा लेते हैं उंगली से, ये तो फिर भी गोल वाली चम्मच है, ये तो तुम्हारा अपग्रेड हो गया है उंगली से खाने वालों, चाउमीन को उठा उठा के उंगली से सांप की तरह खाने वाले लोगों। नहीं मैं, तूने नहीं खाया, मैंने खाया सच में। मैं कॉलेज लाइफ में क्या होता था ना, हम लोग दोस्त लेते थे पैसे मिला मिला के, अब साला उसमें जल्दी का चक्कर रहता था, पहले स्टार्ट करते थे तरीके से, फिर तरीका बिगड़ता था, फिर उसका वर्स्ट लेवल आता था, फिर हम उठा के उंगली से खाने लगते थे भाई, उठा उठा के भर भर के, एक चम्मच में एक उंगली में। हाँ यार हम डायरेक्ट इसी में से खा लेंगे, इसी में से खा लेंगे, क्यों बोल निकालना है, इसी में से खा लेंगे, वैसे ठीक है हम दोनों ही तो, हमारे कौन से यहाँ पे और कोई थोड़ी ना, तो बांटने के लिए थोड़ी ना हमारे पास, हमारे लिए खुद के लिए नहीं है। बस ठीक है। तो भाई यहाँ से चल रही है कोक, बहुत ही मजा आ रहा है भाई कोक पीने में।
चिल्ड है एकदम चिल्ड, पी के देख एक बार है ना। भाई पूरा जिसपा है ना खाली पड़ा है, उधर दूर दूर तक कोई नहीं है ना, रास्ते में भी ज्यादा गाड़ियां मिली जो आ रहे हैं वो खाली देख के और उल्टे निकल जा रहे हैं, क्योंकि सबका क्या है कि जिसपा कैसा ये देखने आ रहे हैं कि जिसपा दिखता कैसा है, इसलिए सब चले जा रहे हैं। अब हमने तो देखा हुआ है तो हम गाड़ी उतार के नीचे आ गए थे, हमने कहा यहाँ पे बनाई जाए बढ़िया वाली पेट पूजा के लिए कुछ अच्छी चीज। हाथ ताप रही है तू, देख लो यहाँ एक गरीब बैठा है रोड पे, ये देखो कुर्सी। मैंने आपको ऑफर किया था कि इस कोटा के अंदर बैठ जाओ इसको, अरे नहीं यार उतनी जगह की जरूरत नहीं था, यहाँ पे बैठ गई वैसे सही आ रहा है, मैंने पहन रखा है, मतलब ये पहन रखा है इससे कानों पे लग रही हवा। और ये है बाकी मेरे पास पता है टोपा भी है, ये वाला जो होता है ना पीछे हुडी का जो होता है वो वाला, तो उससे ही मैं रख सकता हूँ अपना ध्यान। भाई मेरे तेरे लिए कुछ भी नहीं है, अपनी कसम कुछ भी नहीं है तेरे लिए ना, हमारे पास चॉकलेट है, चॉकलेट देंगे तेरे को खुजली वुजली हो जाएगी, वो दे नहीं सकते अगर हम पे कुछ भी होता ना। बन बन नहीं है तेरे पास? ब्रेड ब्रेड कुछ भी नहीं है भाई? सॉरी यार हमें पता नहीं था कि तेरे लिए भी कुछ लाना चाहिए। अब रोटी इसे बनानी नहीं आती, रोटी मुझे ही बनानी नहीं आती, सामान नहीं लाया रोटी। हाँ तो बना भी नहीं सकती थी ये, मेरे लिए ना बनाए यहाँ पे, तेरे लिए तो जब बनाएगी। अच्छा मैंने आज तक जितने भी लोगों के पास देखा ना जो बड़े वाले चूल्हे होते हैं, जैसे ये तो बहुत स्टर्डी है, लेकिन नॉर्मल में भी जो ऐसे लेते हैं वो वाले चूल्हों में सब में यही प्रॉब्लम है, ब्यूटेन जम जाती है। याद है एक बार हमारी गुड़गांव में जम गई थी वहाँ पे रैपर ट्रेल पे, और वहाँ पे तो कुछ टेम्परेचर भी नहीं था साला, 8-10 degrees था प्लस में मतलब, और यहाँ पे तो चलो माइनस है, लेकिन ये वाली जम गई, ये समझ नहीं आया क्योंकि इसके अंदर पैक पड़ी थी। और ये वाली ब्यूटेन एकदम ओके की रिपोर्ट है ना। और नहीं ऐसा नहीं है ये, अगर मुझे एक और चक्कर लग रहा है, अगर हम ये वाली ब्यूटेन उस चूल्हे में लगाई, हमने ये भी तो बदल के देखा है ना, उसके बावजूद भी नहीं चली वो है ना, क्योंकि चूल्हे का मुझे लगता है कुछ तो सिस्टम ऐसा है कि बिल्कुल ही जाम हो जाता है। लेकिन ये वाला चूल्हा जो है ये वाला सही है भाई, ये वाला मतलब इसका मतलब है हमें फेंकना नहीं है ना, बेकना ही रखना है मतलब संभाल के, है ना, वो तो कहीं भी धोखा दे देगा, असलियत में यही काम आएगा। भाई कार कैंपिंग में ना एक बड़ी सही दिक्कत है पता है क्या, कि गाड़ी लगा दो हवा रोकने के लिए वो तो ठीक है, लेकिन गाड़ी के नीचे जो जगह है ना वहां से आने लगता है, तो ऐसा लगता है कि इस चक्कर में सेडान होता कि सेडान के नीचे जगह कम होती है, लेकिन सेडान यहाँ तक आने में दिक्कत है, मतलब आ तो जाएगी लेकिन है कि फिर रिस्क रहता है, हम तो कहीं भी खुदा फदा देते हैं ना, तो उस हिसाब से बड़ी दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ के लिए कोई कैंपिंग वाला बनाए कि एक घांगरो चोली बना दे इसका है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक, जैसे गाड़ियों का स्टैंडर्ड बना दे कि भाई यहाँ पे क्लैंप कर दो, यहाँ पे कर दो अब, या फिर लंबे में उस साइड के लिए भी एक साइड के लिए प्रॉपर हो, क्यों पूरा ढक दिया तो यहाँ से हवा ना आए। बन गई मैगी? Yes. खोलो भाई, वाह जी वाह बहुत बढ़िया, हमारे लिए कटोरी में डाल के दो, कटोरी लाए थे पैसा खर्च किया 1.5 lakh rupees हमने, चिल्डम चिल्ड कोक मेरी खत्म होने वाली है, छोटी वाली है ना एक, तो साला जब बड़ी होती है तब पी नहीं जाती, छोटी होती है तब पी नहीं जाती। अरे सही से डाल, कंजूसी क्यों कर रही है? अरे मैं देख रही हूं कि मिक्स जाए ना, पास्ता भी जाए। ये तेरे पे अच्छा लग रहा है, ग्रे कलर का कल ही खरीदा ना तूने? Yes. कितने का? 250। भाई यहाँ के लोग इतने ईमानदार हैं ना भाई, इतने ईमानदार हैं, अगर जिसे बोलते ना भारत रत्न अवार्ड वो इन्हीं को मिलना चाहिए। रीजन बता यूशी तू एक बार। तो जैसे शूज तुषार ने पहने हैं जो स्नो में काफी काम आते हैं, ऐसे शूज मुझे भी लेने थे, तो हम लोग गए उनके पास कि दिखा दो मेरे साइज के, तो आंटी ने दिखाए, फिर आंटी कहती है प्राइस की बात पूछो, वो दूसरे टाइप के थे उनके पास। हाँ, उनके पास थोड़े अलग टाइप के थे, सेम ऐसे नहीं थे, तो, हाँ, तो उनका रेट थोड़ा ज्यादा था, ज्यादातर रेट, तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम फिर यहाँ से मत लो, तुम मनाली से ले लेना, वहाँ तुम्हें सस्ते मिल जाएंगे, क्योंकि हम भी वहीं से लाते हैं, हम भी वहीं से लाते हैं, तो हमें थोड़े महंगे मिलते हैं, इसलिए हमें थोड़ा महंगा करके देना पड़ता है। अब इस कहानी से क्या सीखा, मतलब समझ लो कोई दुकानदार ऐसा बोलेगा कि आप यहाँ से मतलब प्यार से हमें मनाली की दुकान का नाम भी बता दिया, हाँ, कि वहाँ से ले लेना, हाँ। वहाँ पे आपको सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन अब हमारा ये प्लान है कि हम उन्हीं से ही जाके लेंगे, क्योंकि ऐसे लोग नहीं मिलते यार यहाँ पे, लोगों को लालच ही नहीं है यार, मतलब पैसे को लेके उनके मन में ये नहीं है, वरना होटल में जाओ ना एडवांस दो, पेमेंट करो, ये करो वो करो सब चीज, यहाँ पे लोग बड़ा इंतजार करते हैं लोगों का, लेकिन उसके बावजूद जो लोग आते हैं ना धोखेबाजी करते हैं वो लोग, भाई कहीं भी नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी उन्हें ऐसे लोगों के साथ अगर आप धोखा करोगे, तो कल को ये फिर अपनी पे आ जाएंगे ना, तो फिर आप बोलोगे कि भाई ये टूरिस्ट को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, तो वो चीज है। कुल मिला के भाई अपनी मैगी तैयार हो गई है, छोड़ो फालतू लोगों को, हम मैगी इंजॉय करते हैं, हमें क्या करना, ये लो जी ये अपनी मैगी, ओ भाई अपने लिए वो भी रख ली ग्रेवी, और हमारे लिए धोखा, अरे तो लो तुम ये गद्दारी कर दे, ये वाला ले लो, इसमें पास्ता ज्यादा है, ये बढ़िया बात, थोड़ी ग्रेवी दे यार, सर्दी हो रही है सूप सा। तो भाई ये आ गई अपनी मैगी, वहां रखी है अपनी कोक, सी बनी है मैगी का स्वाद तो फिर पानी डालते टाइम ही आ गया था मुझे, मगर खा के फिर भी बताता हूँ, मैंने मुंह ढक लिया था अपने टोपे से ना, इससे हुडी से, बहुत बढ़िया बनी है, मैगी वालों को स्पेशल थैंक्स इतनी अच्छी चीज बनाने के लिए। सही बात है, कोई बोली मैगी भी नहीं मैंने, या तो प्याज टमाटर डाल के थोड़े एक्स्ट्रा मसाले डाल के बनाओ तो क्रेडिट भी लो, इसे उबालने में क्या क्रेडिट लेना यार,
यहाँ पे तू ठंड का क्रेडिट ले सकती थी, लेकिन वही मैंने फिर से तुमने खुद से मतलब छीन लिया। तूने कहा कि नहीं रहने दो भाई। अरे पहले मेरी इस वाले बोल के ना ऐसे करके फोटो खींच दो, या तो तुम सामने से हटो मैं खुद खींच लूं। गाइस ये देखो यहाँ से ना एक छोटी सी सूरज की रे आ रही है और ये कितना सुंदर लग रहा है, एकदम गोल्डन गोल्डन सा। सबर नहीं है इसमें बिल्कुल भी कि मेरा वेट कर ले। सो गाइस पीछे ना कुत्ता खड़ा है और आयुषी को और मेरे को देख के बहुत बुरा लग रहा है। मैं इसके लिए कुछ लाया नहीं, एक बार मैगी ट्राई कराता हूँ। थोड़ी सी मैंने इसके लिए बचाई है ताकि टेस्टिंग हो जाएगी भाई खाएगा नहीं खाएगा। अगर खाएगा ना तो इसके लिए एक मैगी अलग से बना देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि किसी बेजुबान को है ना खिलाना ज्यादा जरूरी है जुबान वाले के मुकाबले। जुबान वाला तो तब भी लड़ झगड़ के खा लेता है, बेजुबान। आयुषी जल्दी पानी चढ़ा गैस पे, मैं बना रहा हूँ इसके लिए मैगी, बेचारा भूखा है। सो गाइस प्लान में फिर से चेंज है, हम लोग है ना दो मैगी बनाने जा रहे हैं। अब दो मैं अपने लिए और उसके लिए नहीं बनाने जा रहा, दो इसलिए बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार ये यहाँ पे रहते ना इतने उसमें और कांप भी रहा है, तो एक से इसका कुछ नहीं होगा, इसके लिए दो मैगी बनाए थे, अच्छे से इसका पेट भर जाए ना। और बच गई तो काम करेंगे दो स्टेप में डाल देंगे, खाएगा तो ठीक है, नहीं बच गई तो हम खा लेंगे। तो दो मैगी बना और मसाला एक ही डालियो है ना, क्योंकि जानवर ज्यादा मसाले नहीं खाते। नहीं नहीं मैं नहीं खा रहा उसके लिए, जरूर मैं बना रहा हूँ, तू अपने खा दे। इसमें क्या बनाने में कोर्स थोड़ी करना है दोस्त, बस 5 मिनट। सॉरी यार मुझे नहीं पता था आप मैगी भी खाते हो, अगली बार मैं याद रखूंगा, वेल इन एडवांस। तो स्टे ट्यून्ड और प्लीज अपने दोस्तों को बोलना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले यार, है ना। तो भाई इधर मैगी चढ़ा दी है दो दो बनने के लिए, अब भाई को रोका हुआ है, हमने कहा भाई अब जा मत, अब तेरी दावत है, अब मत जाइए, अब तुम्हारा मेहमान बन चुका है, ठीक है, हमें नहीं पता था। तो गाइस आप भी अगर आगे से आ रहे हो पहाड़ों में, आपको दिख रहा है कि कुछ बना रहे हो और कुत्ता बगल में आके बैठ जाता है, तो डरना नहीं है, जो खाने का है ना मैगी वैगी सब खा लेते हैं, है ना। मीठा नहीं देना, चॉकलेट नहीं देनी, क्योंकि वो है कि खुजली करेगी वो उसके, तो मीठा मत दो। लेकिन अब मैगी खा रहा है तो मैंने कहा डाल देते हैं। जंगली कुत्ते हैं वैसे इन्हें सब हजम हो जाता है, लेकिन मीठा फिर भी नहीं देना चाहिए, मीठा मतलब जानवर के लिए इनके लिए जहर होता है। तो कुल मिला के अपनी इसकी मैगी बन जाए जल्दी से, आंच फुल कर दे एकदम फुल, है ना। एक काम करता हूँ मैं तेरे आगे खड़ा हो जाता हूँ, उसको ना बार बार देख के तेरे को वो लग रहा होगा मुंह में उसके पानी आ रहा होगा बेचारे के। नहीं तू खा ले, मैं आगे खड़ा हूँ, चल ठीक है, इस बहाने रुका ही रहेगा, क्या पता कि और दें दोबारा आस में, है ना, कुत्ता तो आस पे ही जीता है, वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि कुत्ता हमेशा आस का खाता है, समझ गई, छीन के नहीं खाता किसी से, इंसान खाता है छीन के दूसरे से, कॉर्पोरेट जॉब में प्राइवेट में एक दूसरे की थाली से छीनने में लग रहते हैं, कुत्ते की तरह नहीं, कुत्ते से भी बदतर, कुत्ता तो बहुत ही अच्छी चीज है, दूसरे की थाली से छीनने में लग रहते हैं, और असलियत में भी है ना हम लोग पैसे के चक्कर में एक दूसरे का जान लेना और इन सब में लग रहते हैं, तो ये तो आस का खाता है। बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि आस रखता है कि कोई मुझे दे देगा, बेजुबान है ना बेचारा, बड़ी गुस्सा आती है मुझे जब कोई ऐसी हरकतें करता है ना जो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स वगैरह करते हैं, ऐसे लगता है कि साला छीन के खा के पता नहीं कहाँ चले जाएंगे दूसरे से, फाइट करते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, मेल डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मैं अब बता नहीं सकता कभी, है ना, डिटेल में बताऊंगा, पहले जॉब छोड़ दूं फिर सबको रोस्ट करूंगा, हर एक टॉपिक पर रोस्ट करूंगा हर एक को, जो जो जैसा जैसा रिएक्शन करता है ना वो सोचता है मैं पता नहीं चल रहा कि तू मेरे साथ क्या गेम खेल रहा है, सबको पता होता है कौन किसके साथ क्या गेम खेल रहा है, बस बात इतनी सी होती है बंदा उसकी रिस्पेक्ट करता है कि मैं इसकी मुंह पे भी बेइज्जती ना कर दूं, सही बोला ना। तो कोई भी है ना ऐसा मत सोचे करो कि हम किसी के साथ ऐसे गेम खेल रहे हैं ना उसको पता नहीं चल रहा, हाँ बेटा सब पता चल रहा है, बस वो अपने सही टाइम का इंतजार कर रहा है, वो तुम्हारी भी मारेगा कभी, लेकिन तुम वो ऐसे काम ही करो अपना, चुपचाप जॉब पे जाते हो, ऐसा तो है नहीं कि साले तुम्हें वहां पे बिजनेस में पार्टनरशिप दे देंगे, 5,000 रुपए तुम्हें ज्यादा दे देंगे, या चलो ज्यादा सैलरी तो 1,00,000 रुपए ज्यादा दे देंगे, तुम्हें थोड़ी ना करोड़ों के बिजनेस का मालिक बना देंगे। क्यों बोलते हैं कि 2 मिनट में बन जाती है, कभी नहीं बनती 2 मिनट में, किसको, मैगी को। अच्छा अब बेचारे को 2 मिनट से ज्यादा हो गए भाई, मैगी वालों कंप्लेंट कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, वो भाई उधर मुंह कर ले रहा है, कह रहा है मैं आपकी ओर नहीं देख रहा, डोंट वरी आई एम वेटिंग, है ना, ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है, कह रहा है डोंट वरी आई एम वेटिंग, नो हरी नो स्ट्रेस, देख उधर फिर मुंह कर ले रहा है, देख अब मैं इधर देखता हूँ, देख अभी देखेगा जैसे फिर मैं करूंगा, रुक जा, अब कर लिया ना, देख अब फिर मुंह कर लेगा उधर, आंख बंद कर ली, अच्छा हवा लग रही है ठंडी, इधर आ जा, मेरे को तेरी भाषा भी तो आती, भौं भौं हेयर भौं भौं कम हेयर भौं 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 हाउ अबाउट दैट, बहू चाहिए होती है ने, साले पैदा होते ही बहू मांगने लगते हैं, लुच्चे से ही होते हैं, हमारा कुत्ता बाहर में गली में जो भी लड़की जा रही है लड़का जा रहा है, लड़के से नहीं लड़कियों से बहू बहू बहू, मैंने कहा सबको पूछ ले मेरी बहू बनेगी, साले लोफर है एक नंबर के, मैंने कहा हमारा ब्याह होना रहा तेरा करवा दे पहले, हाँ भेज देते हैं, चले गए इस पे सुषमा जी, अच्छा मेड विद सूजी, अच्छा ठीक है, ये तो आंटी का नाम हो गया, सुषमा जी लड़की होती है, सुषमा क्यों नहीं होती का? आंटी भी तो कभी लड़की थी, अच्छा ओके सॉरी तो मैगी बना 2 मिनट में भाई, मैगी वाला तुम पे केस ठोकने वाला हूँ मैं इसके साथ मिलके, इसमें बहुत देर से इंतजार कर रहा है, 2 मिनट से तो ऊपर की वीडियो की रिकॉर्डिंग हो गई होगी मेरे हिसाब से, जब से मैगी नहीं बनी है, अच्छा वो कहते 4 मिनट हो गए 2 मिला दी तुमने, तो फिर ऐसे थोड़ी होता है यार, हम केस करेंगे, हमारा मन है तुम करेंगे,
ये कोई बात थोड़ी हुई, ये कुकर की तरह सीटी क्यों निकाल रखी है इसकी, से टाइट करना। नहीं टाइट करूंगी तो वो बल्कि नीचे गिरने लगेगा। अच्छा देखिए मुलायम हुई चम्मच घुसा इसमें, चम्मच से घुमा, इसी से घुमा दूं है। हाँ ना ना अपनी इसकी एक और निकाली थी ना अभी, अरे इधर रखी तो थी साइड में, तोड़ दी तेरी दिक्कत तो ना है कोई। पहले तो मैं सोच रहा तेरे दिमाग का इलाज कराना है, अब तेरे हाथों का भी कराना पड़ेगा। चुप करो। और जुबान का अलग। हाँ, ये सब शादी से पहले नहीं दिखा दोगे? दिख रहा था। हाँ, फिर आंखें बंद हो जाती है जब आदमी की गलत चीजों के चक्कर में पड़ गए। यही मेरे साथ भी है, मेरी भी हो गई थी। सारी बुरी चीजें शुरू में अच्छी लगती हैं। तो। पिज्जा खाते कितना टेस्टी लगता है, बाद में कितना नुकसान देता है पिज्जा। चलो यार कोक पीते हैं, छोड़ो ज्यादा है भाई। रुक जा जा मत प्लीज यार, प्लीज बस हो गया, गिव मी ओनली 2 मिनट्स। अच्छा भाई वो इशारा कर रहे थे कितना से, वो है चाट के दिखा रहा है, देखो उसे चाट रहा था भी, वो दिखा रहा था कि भाई मेरे को और दो, बस 2 मिनट और। ये हम कह के बेचारे को कितना टाइम लगा चुके हैं यार, हमारी गलती थोड़ी है साले मैगी वालों की है। अरे भाई जल्दी कर दो यार प्लीज, मुझे बुरा लग रहा है। अच्छा भाई एक चीज बोलूं प्लीज, चुपचाप खा ले अब, अपने पार्टनर्स को मत बुलाइए इतनी मैगी भी नहीं हम पे है ना, हमें पता होता तो 10-12 ले आते। चल डाल जल्दी, इसका डोंगा लाते हैं उसमें से भर के देते हैं, वेट 1 मिनट बट डोंट शाउट एट मी, चिल्लाते थोड़ी तो गुराव करते ना। सारी से थोड़ी बचा लियो, पता चला ना खाए तो वेस्ट हो जाएगी। अरे वेस्ट हो जाएगी ना, वेस्ट नहीं करूंगा ना। हाँ मैं खा लूंगा और मसाला डाल के देख लूंगा, लेकिन अभी उसके लिए पहले डाल, मतलब कहने का मतलब है वेस्ट ना हो मेरा। रिसोर्सेज हैं हमारे पास, इट डजंट मीन कि उनको वेस्ट करना है। चलो उसी को दो बार में डाल देंगे अगर खा लेगा तो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। ये लो जी भाई डॉगी के लिए बनाई मैगी, कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग आज का? आओ डॉगी, यार तो गर्म होगा मगर खा लेगा वो, 2 मिनट पकड़ के खड़े रहो। वही कह रहा हूँ, इसे ठंडा करता हूँ ऊपर को रख के। ऊपर नहीं है, हाथ में पकड़। चल ठीक है ठंडा हो जाने दे भाई, 2 मिनट और रुक जा। तो भाई डॉगी की मैगी यहाँ रख दी, अब ये इधर आ गया। ये पता है क्या करने के चक्कर में, गाड़ी के बोनेट से आएगा इधर, कहेगा साले यहाँ बैठ के खाऊंगा मैं, ये वाली स्कीम तो मेरी पुरानी है, ये तो मुझे पहले से आता है। कह रहा छत पे लगा रहा है, अच्छा ये तो बैड है मेरा पुराने जमाने का, गली मोहल्ले में देखा हमारी गाड़ी को बैठ जाते हैं। नहीं नहीं नीचे लाएंगे महाराज, आप यहीं बैठिए, आप धूप में रहिए, वहीं पे लेके आते हैं आपके लिए। तो भाई हो गई काफी हद तक ठंडी, आ जाओ इधर डॉगी महाराज, इधर आ जाओ इधर, लो लो लो। खा रहा है भाई, खा रहा है, खा ले आराम से। चलो भाई इसको खाने दो, अभी से नजर मत लगाओ। अब देखो इसके लिए और डाल देता हूँ, ये आराम से खा रहा है, खा भाई आराम से, मैगी इंजॉय करो डॉगी बाबू। तो भाई बची जो मैगी थी ना वो भी इसके लिए डाल दी थी हमने, तो वो भी भाई फिनिश कर चुका है। भाई बहुत है आज के लिए, 2 मैगी हो गई भाई, इतनी हमारी भी एपेटाइट है, मुझे पता है तेरी भूख और होगी थोड़ी बहुत, लेकिन अब 2 मैगी बहुत है आज के लिए। चलो मिलेंगे आपसे थोड़े दिन बाद। अब दोस्तों ये सब करने के बाद एक चीज मत भूल जाना कि भला कर दिया, कुत्ते को खिला दिया, खुद खा लिया, खुद का भी भला कर दिया, खुद का पेट चुड़ा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो कूड़ा है ना इसको भी उठा के जाना है, तो गार्बेज की पॉली किधर रखी है मैडम? हाँ ओके लेके आता हूँ मैं, उठा लूँ इसकी प्लेट, उठा लूँ? नहीं अब तो चाट ही रहा है, नियत देख पेट तो भर गया उसका, नियत वाली बात है वो, है ना। 2 मैगी मतलब बहुत हो जाती है। हाँ हो सकता है इसकी और ज्यादा होती हो कुत्तों की खुराक, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ठीक है अब उसका पेट भर चुका होगा, फिर और बना दे तो फिर वेस्ट भी हो सकती है। मुझे लगता है 70% तो उसका पेट भर गया होगा हमारे हिसाब से। आयुषी एक चीज का ध्यान रखियो, पता है क्या, जब खाना खाती है ना उसके बाद है ना ऐसे ऊपर को कई बार करते हैं ना, अपनी जीभ को अपनी ऐसे होंठ के ऊपर को ले जाके ऐसे घुमाते हैं, वो मत करियो रिस्की हो सकता है कभी कभी, यहाँ पे जुकाम बहुत तेज होता है, यहाँ पे ठंड बहुत तेज होती है, कहीं कभी तुझे मैगी जैसा टेस्ट आ जाए। मेरे तो जस्ट मैगी का वो लगा हुआ था होट के ऊपर, तो लेकिन मैं मेरे दिमाग में एक चीज आई, मैंने सोचा तेरे साथ शेयर करूँ और बाकी सबके साथ भी कि भाई ध्यान रखना कुछ भी हो सकता है। सो गाइस यहाँ पे हो चुका है अपना पैकअप, डॉगी भी चला गया यहाँ से खाना खा के, अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे, चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि बहुत ही सुंदर होने वाली है, और हम इस बार फिर से कुछ और करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।